नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू की अब तक की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस ने टारगेट किलिंग को लेकर किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। और पीडीपी ने जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने टारगेट किलिंग को लेकर किया सरकार विरोधी प्रदर्शन। कहा घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा हो सुनिश्चित। इस दौरान कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तभी ये प्राइम से पैकेज लागू हुआ था। उसके बाद कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। जब से ये सरकार आई और ये सरकार जिसने 2019 को स्टेट को तोड़ा, दो हिस्सों में बांटा, यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद देखेंगे स्पेशल टारगेटिंग किलिंग हो रही है। चाहे इसमें हमारे राहुल पाटजी थे, उससे पहले भी जो सरपंच पंच मारे गए, उसके बाद जो हमारे माइग्रेंट जो बाहर से काम करने आते हैं उनको भी टारगेट किया गया। इसलिए टारगेट किलिंग के पीछे हाथ किसका है? आपने देखा 2014-19 को जब चुनाव हुए थे 2014 में, उसके बाद भी क्या हालत हुई थी। इसलिए सरकार टोटल फेलियर है और हमें शक है। और जिस तरीके से ये उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसका असर जो है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कहा पंडितों की सुरक्षा के नाम पर हो रही सियासत बंद करे सरकार। सही मायने में घाटी में पंडित नहीं है सुरक्षित, सरकार इस पर करे काम। मैं आप सबको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारे एक कश्मीरी पंडित भाई की निर्मम हत्या कर दी गई कश्मीर में, जो सरकारी कर्मचारी थे। और साथ ही साथ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पे लाठी चार्ज करवाया गया भाजपा की सरकार की तरफ से। तो इसकी हम कड़ी निंदा करती है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि आपके बड़े बड़े दावे बीजेपी वालों के, आप कहते हो कि हम कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन आप उनको सुरक्षा मुहैया करवा नहीं पा रहे। ये बड़े बड़े दावे जो बीजेपी के हैं, टोटल फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में बीजेपी। और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब भी फेल हो चुके हैं। आज उसी को लेकर आज हमारा एक और। पीडीपी ने जम्मू में टारगेट किलिंग को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कहा घाटी में शांति की बात कर रही है सरकार, पर असल में वहां फैली हुई है अशांति। घाटी की नब्ज को टटोलने में पूरी तरह विफल रही सरकार। हमने प्रोटेस्ट किया है जम्मू में, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो ये कश्मीर में किलिंग हो रही है, इसको बंद करवाए। ये लोगों को नौकरियाँ देके वहाँ जाके तहसीलदार के ऑफिस में जाके लोगों को गोलियाँ मरवाई गई है। ये बहुत बेइंसाफी है। और कश्मीरी पंडित जो कल इन्होंने बड़ा इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है वहाँ, वो सच्चाई पे लड़ रहे हैं। आज तक वो चुप थे, लेकिन आज वो सड़कों पे गली में वो निकले हैं कि बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी दी जाए, हमारे सेफ हैं। एक बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए नौकरी करने के लिए गया हुआ वहाँ उसको गोली मार दी जाती है। ये कहाँ के इंसाफ है, कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ की गवर्नमेंट है। ये हम आज यही प्रोटेस्ट करते हैं कि लोगों को बचाया जाए और लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, तब हमारा मान हो। ये बोलती है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है सब। एनएचएम कर्मियों ने एक बार फिर काले झंडे लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कहा अगर जीएमसी में स्टाफ की है कमी, तो फिर हमारी सेवाएं क्यों नहीं की जा रही बहाल। इस दौरान पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। देखिए सर, हमारा जो डेलीगेशन था, हमारे चार दो तीन बंदे दिल्ली में गए थे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनसे मिले, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनसे मिले। सर आज हमने ब्लैक फ्लैग लेके इसलिए प्रोटेस्ट रखा है क्योंकि जम्मू के कुछ चंद नेता और जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन मिलके हम जैसे जो मासूम लोग हैं, जम्मू कश्मीर की आम जनता, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ़ इस कदर बनाया जा रहा है कि वहाँ से हमको मैसेज पास होता है कि आपका कोई भी लेटर आज तक हमारे पास नहीं पहुँचा। और उन्होंने बोला उधर वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, मैन पावर की कमी है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे तक आपकी आवाज़ पहुँचाती है तो हम बैठे ही इसीलिए हुए हैं। हमने कहा कि सर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है। नगर निगम जम्मू ने 5 माह बाद आयोजित की जनरल हाउस की बैठक। बैठक में विभिन्न विभागों से ली गई उनकी योजनाओं की मौजूदा जानकारी। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने कहा अब इस योजना का समय हो रहा है समाप्त। काफी बात भी कर ली थी मेरे साथ, हम स्टार्ट करें। लेकिन आपसे गलती क्या हुई
जिसके लिए हमारे चीफ को प्रमोद भाई साहब भी बार बार कहते हैं, दूसरी पास किया था जो एक्सटेंडेड वार्ड है, जो नए वार्ड हमारे चार, उनमें हमने उनको कम्प्लीट कर लेते हैं वहाँ एक करोड़ की लाइट लगी है चार वार्डों में, ये पास से बैठे हैं कि लगे कि नहीं लगे। उसके बाद 15 एक्सटेंडेड वार्ड थे हमारे, हमने क्या किया कि ऊपर से 15 वार्ड एक्सटेंडेड वार्ड में भी कोई ऐसा वार्ड नहीं है। प्रीतम जी बोल रहे थे 60-70 लाख की लाइटें लगी है इनकी वार्डो में जो 15 एक्सटेंडेड वार्ड है, हमसे गलती ये हुई। फिर हमने क्या किया कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू में पत्रकार वार्ता कर उठाए सरकार पर सवाल, कहा कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत को बंद करे सरकार, पंडितों को समूचे कश्मीर में प्रदान की जाए पूरी चाक चौबंद सुरक्षा। कि जब उनको उनके बेटे की हत्या निर्ममता पूर्वक हुई हत्या का पता लगा तो उन्होंने कंसर्न डीसी से, कंसर्न एसएसपी से बात करने की कोशिश की, किसी ऑफिशियल ने, किसी अहंकारी अधिकारी ने उनका फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले कश्मीर के अंदर श्रीनगर में एक होटल के ऊपर हमला हुआ था, वो हमारे जम्मू से थे भाई साहब, जिनके बेटे को, नौजवान बेटे को आतंकियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में सियासत बंद करें और सीरियसली काम करने की कोशिश करें। कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर जो डर बैठ गया है, देखिए नौकरी बहुत बात की बात है, पहली चीज़ है जिंदगी, पहली चीज़ है जीवन। आज ये बात करते हैं कि उनको हम वहां पे दोबारा उनकी बहाली करेंगे, उनको एक बार फिर। निगम की जनरल हाउस की बैठक से शहर के पार्षदों को बहुत सी उम्मीदें, कहा 5 माह बाद हाउस के लगने से बहुत से कार्य पड़े थे लंबित, अब उम्मीद है कि हाउस लगने से लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 62 की पार्षद रेखा मनहास हूँ। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा एक बार पुनः जो है वो हाउस लगा है और ये काफ़ी समय के बाद लगा है। कुछ समय तो कोरोना की वजह से जो है वो डिले होता रहा, लेकिन मेयर साहब के जो कवायद के चलते उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और जो मेयर है आज फिर से मुकम्मल हो पाया। और हमारी जितनी भी वार्ड की परेशानियां हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड, हम उन परेशानियों को यहाँ पर रखेंगे। हमारे कई डिपार्टमेंट हैं जैसे PHC, JDA, फिर CAPD डिपार्टमेंट, इसके साथ जितने भी लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं आज वो डिस्कस होंगी और हम यही चाहते हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हो पाए, यही हमारी कोशिश है और आने वाले समय में यही प्रयास होगा। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पत्रकार वार्ता कर उठाए कई सवाल, कहा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर को बादल का नाम देना गलत, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज चली गई है गलत हाथों में। आप जैसे जानते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर और उसके साथ श्रोमणी अकाली दल और धार्मिक संस्थाएं हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब फॉर्म में आई 1925 में, गुलाम हिंदुस्तान की पहली इलेक्टेड बॉडी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी जदोजहद के साथ शहीदियां लेके ये सारी श्रोमणी कमेटी को फॉर्म किया, सॉरी अलकम पंजाबी नाम। और आज ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल बादल दे नाल जो सुनीता कौल अरोड़ा ने तवी ब्रिज पर किया शांतिपूर्वक प्रदर्शन, कहा राहुल भट्ट की किलिंग के बाद अब हिंदुओं को होना होगा एकजुट, राहुल हत्या हिंदुओं के लिए कश्मीर से एक खतरनाक संदेश। जैसे आपको पता ही है कि कश्मीर के बड़गाम के चडूरा इलाके में जिस तरह से राहुल भट्ट जी की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, उसी उपलक्ष्य में, मतलब कि हम ये कहेंगे कि हमारे एक नौजवान ने हम हिंदुओं के लिए वहाँ पे जो, जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि वो शहीद हो गए हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो जो आज उन्होंने जो शहादत दी है आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पे। और राहुल जी की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से। दूसरी ओर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह का जो दुलमुला जो रवैया जो अपना रही है, हमारे कश्मीर में अगर एक हमारे नौजवान को मारा गया, अगर हिंदुओं ने वहाँ पर प्रोटेस्ट। जे आर के क्रिश्चियन बिरादरी ने न्यू प्लाट में आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर,
आयुष विभाग के सहयोग से लगाए कैंप में लोगों को दी गई फ्री उपचार सुविधा। शिविर में सैकड़ों लोगों ने ली उपचार सुविधा व फ्री दवाई। मार्कस गिल है, मैं जे एन के कृष्ण बरादरी का प्रेसिडेंट हूँ और आज जे एन के कृष्ण बरादरी की तरफ से एक मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप आयुष की तरफ से लगाया गया है और यहाँ पर यह हमारा दूसरा कैंप है। पहले भी हमने ये आयुष की तरफ से कैंप लगाया था और ये दूसरा हमारा कैंप है और यहाँ पर हमें फ्री मेडिसिन यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और हर लोगों को हमने ओपन सबको मैसेज दिया है। जितने भी लोग आए यहाँ पर जो फ्री मेडिसिन लें, यहाँ पर खांसी की दवाई है, यहाँ पर एक ऑयल है जिनको जोड़ों की दर्द होती है वो मतलब जो उसकी मालिश करेगा उसके वो ठीक हो जाएगा। इसमें एक नेजल ड्रॉप है, नेजल ड्रॉप नाक से जिनको जुकाम होता है, जिनको जुकाम नहीं जाता वो नेजल ड्रॉप नाक में डालेंगे उनका बिल्कुल जो जुकाम है वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही यहाँ पर हमारा चमन प्राश है, चमन प्राश में बहुत अच्छा टॉनिक है ये भी हम उसमें। सरियारा सभा बहुफोर्ट ने पत्रकार वार्ता कर सभी सदस्यों से की अपील। कहा 16 मई को महात्मा आत्माराम जी का सभा मनाएगी जन्मदिन, इस कार्यक्रम में बिरादरी के सभी सदस्यों का आना होगा अनिवार्य। हमारे जो सरियारा बरादरी से जो बिलोंग करते हैं लोग वो तो जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं, हमने पहले भी लोगों से अपील की थी, आज फिर हम लोगों से अपील करने जा रहे हैं वो के वो ये के जैसी भी परसों 16 तारीख मई की हमारे महात्मा आत्माराम सिंह जी का जो जन्मदिन मनाने जा रही है हमारी सरियारा सभा बहुफोर्ट, और हम फिर एक बार हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आए सब मिलजुल कर महात्मा आत्माराम सिंह जी का जो जन्मदिन में मनाना है वो सारे इकट्ठे होकर हम ये दिन मनाएं। जैसे कि उसका हमें जो टाइम टेबल रखा है महात्मा आत्माराम सिंह जी का वो ये रखा है कि सुबह जम्मू और कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने किया केंद्र शासित प्रदेश निकाय का गठन। इकाई में कुलभूषण खजूरिया को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष जबकि सुरजीत सिंह, किशोर कुमार और शेख शोएब मेहराज बने उपाध्यक्ष। ये जम्मू कश्मीर के चेयरमैन डेयरी फार्मर एसोसिएशन के और ये सारे हमारे पदाधिकारी। आज का हमारा ये पहला एक प्रोग्राम था जिसमें हमने एक फार्मल तौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो संगठित की है, उसमें कार्यवाहक समिति हमारी बन गई। और दूसरा एजेंडा ये है कि आज जो इतना क्राइसिस हो गया डेयरी फार्मर पर कि हमारा जीना हराम हो गया, हम चाहते हैं कि सरकार के समक्ष हमने आपके माध्यम से दो तीन मांगें रखी हैं। एक तो हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने तूड़ी पर बैन लगा दिया, जो मुख्य खाना होता है पशुओं का, उसके लिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं गवर्नर महोदय से इमीडिएट इस पर एक्शन लिया जाए और जो बैन लगा हुआ है वो। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।